हेलो एवरीवन, वेलकम टू मांगलिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे। 31 जुलाई तक कॉलेज, कोचिंग, स्कूल्स सब बंद हैं वापस से, तो अभी फ़िलहाल आप घर पे ही रहिए। काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ वापस से, और आया के लाया गया हूँ। सिमरन का एक क्वेश्चन था पेडिग्री में, उसको डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर। और साथ में जब आ ही गया हूँ तो फिर दो चार क्वेश्चन आपको और सॉल्व करा दूँगा मैं पेडिग्री के। जिन लोगों ने पेडिग्री के लेक्चर्स मेरे देखे और कोशिश की है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने की, तो मोस्टली क्वेश्चन हुए होंगे। जिन लोगों ने देखे ही नहीं या फिर देख के ट्राई नहीं किया क्वेश्चन करने का, तो उनको प्रणाम, बहुत बहुत सादर प्रणाम। चलो तो आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पहला जिसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। जून 2012 में क्वेश्चन आया है और इसमें इसने पेडिग्री दी हुई है। और क्वेश्चन है कि फॉलोइंग्स आर फोर मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस कैन एक्सप्लेन द पेडिग्री शोन बिलो। यानी कि ये पेडिग्री है और उसने बोला है कि इस पेडिग्री में कौन कौन से ट्रेट शो हो सकते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, कोई भी हो सकता है। तो यानी कि मेन चीज़ क्या है कि अब हम लोग को ये चारों के चारों ट्रेड को चेक करना है कि ये इस पेडिग्री के थ्रू सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। एक एक करके हम लोग कर लेते हैं इन्हें। तो ये है हमारा क्वेश्चन, पहले से ही कर लेते हैं। अगर जो लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं थ्योरेटिकल, अगर वो आप लोग ने देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो पहले देखो, उसके बाद ही क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। चाहो तो अभी वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, बाद में मेरा वीडियो देख सकते हो, नहीं है तो फिर डायरेक्टली देख लो। तो पेडिग्री है ये और चेक करना है हमें कि ये कौन कौन से ट्रेड को शो कर रहा है, कि या तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, ये भी नहीं चल रहा, या तो ये एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, या ये एक्स लिंक रिसेसिव होगा, या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, या ये ऑटोसोमल रिसेसिव। हम लोगों ने चेक करना है कि ये कौन कौन से को शो कर सकता है। देखिए ट्रिक मत लगाइएगा, हो सकता है ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हालांकि उम्मीद कम ही है। तरीके से करते हैं, पहले बात कर लेते हैं हम लोग एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। अगर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ आपको पता ही है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में डिजीज़ कब कब हो सकती है। अगर फीमेल है तो ये कंडीशन होगी, मेल है तो ये कंडीशन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फीमेल में तीन कंडीशंस हो सकती हैं, मेल में दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है तो इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे एटलीस्ट एक कैपिटल डी होना चाहिए तो डिसीज़ हो जाएगी। दोनों हैं तो अच्छी बात है, एक है डोमिनेंट एक रिसेसिव है तब भी डिसीज़ हो सकती है, और दोनों रिसेसिव हैं तो इस केस में जो फीमेल है वो नॉर्मल रहेगी। मेल के केस में क्या है कि अगर एक भी कैपिटल डी हुआ तो डिजीज़ हो जाएगी, और एक स्मॉल डी होता है तो ये नॉर्मल रहेगा। ये सब बातें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक। यानी कि ये केस आता है फीमेल में तो इसमें डिजीज़ होगी, ये केस आता है फीमेल में तो इसमें भी डिजीज़ होगी, केवल एक ही केस नॉर्मल रहने वाला है। अब पेडिग्री देख के जो चीज़ पे हम श्योर हैं उन चीज़ के बारे में लिख लें। अभी पेडिग्री देख के हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देखते ही पता चल रही है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली कि जिस फीमेल में आपको डिजीज़ दिख रही है वो फीमेल अल्टीमेटली इन दोनों में से कोई एक होगी, यानी कि उसके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल डी तो होगा, दूसरे वाले का मैं भी देख लें कौन सा होगा। अगर मेल नॉर्मल है तो मेल नॉर्मल में ये कंडीशन ही होगी, कोई और दूसरा चांस है ही नहीं। अगर ये मेल में डिजीज़ है तो इसका मतलब इसके पास में केवल एक कंडीशन होगी ये कि एक्स कैपिटल डी होगा,
अगर फीमेल नॉर्मल है तो फीमेल नॉर्मल केवल एक केस में हो सकती है कि अगर इसके पास में दोनों ही एलील रिसेसिव हो। इस केस में एक्स कैपिटल डी वाई होगा, इस केस में एक्स स्मॉल डी होगा, इस केस में एक्स कैपिटल डी वाई होगा, इस केस में एक्स कैपिटल डी, और दूसरा हम देखेंगे क्या होगा। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें पेडिग्री देख के समझ में आ रही है कि अगर हम एक्स लिंक डोमिनेंट मान के चलें ट्रेड को तो ऐसी कंडीशन दिखनी चाहिए। अब हम लोग को बस ये देखना है कि ये पेडिग्री सॉल्व हो सकती है या नहीं, यानी कि ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट को शो कर सकती है या नहीं। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम मान के चलें कि ये डोमिनेंट ट्रेड है, ठीक, तो इसको सॉल्व करके देख लो कि अगर फादर ये है मदर ये है तो क्या इसकी ये प्रोजेनी आनी पॉसिबल है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर इन दोनों को हम क्रॉस करें तो हमें क्या मिल सकता है कि फादर से तो एक्स कैपिटल डी और वाई केवल ये दो गैमेट ही बन सकते हैं और मदर से एक्स स्मॉल डी केवल ये बन सकता है। तो क्रॉस कराएंगे तो या तो एक्स कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी बनेगा या एक्स स्मॉल डी वाई मिलेगा, यानी कि इसकी फीमेल सारी की सारी क्या होनी चाहिए, डिजीज होनी चाहिए, और इसके मेल सारे के सारे क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फादर के पास में डिजीज्ड एलील है और फादर अपनी डॉटर को केवल एक ही चीज़ देगा और वह उसका एक्स क्रोमोसोम, और उस अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी डिजीज्ड एलील होगा तो उसकी डॉटर में डिजीज जाएगी जाएगी। ये मैंने जब वीडियो बनाई थी एक्स लिंक्ड पे तो बताया भी था कि अगर फादर में डोमिनेंट डिसऑर्डर है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो उसकी डॉटर्स में होगा ही होगा, कोई डॉट को इसमें डाउट है ही नहीं। सन में हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन फादर से सन में एक्स लिंक डोमिनेंट जाने का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि फादर सन को एक्स क्रोमोसोम देता ही नहीं, फादर देता है केवल वाई क्रोमोसोम। इसलिए फादर के डिजीज़ होने के बाद भी इसका सन नॉर्मल हो रहा है लेकिन डॉटर में डिजीज़ है। अब इस पेडिग्री को अगर आप देखोगे तो फादर में डिसऑर्डर है मदर में डिसऑर्डर है तो इसका मतलब इसकी सारी डॉटर्स में डिसऑर्डर होना चाहिए और इसके सारे सन में सारे सन नॉर्मल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसकी जो ये डॉटर है इसमें डिजीज़ नहीं दिखा रखी, यानी कि इसने बोल रखा है कि ये नॉर्मल है। अब इतना करके भी देख सकते हो, पता चल रहा है कि केस पॉसिबल नहीं है, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि अगर इसके पास में एक्स स्मॉल डी है तो इसको इसका एक स्मॉल डी मदर से मिला होगा, मदर के पास में है दे देगी, लेकिन दूसरा स्मॉल डी फादर से आना चाहिए और फादर के पास में जब है ही कैपिटल डी तो उसके पास में आएगा कहाँ से। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस पेडिग्री को, ये पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड को तो शो नहीं कर रही, यानी कि ये कुछ भी हो इन तीनों में से एक्स लिंक डोमिनेंट तो अभी तक के हिसाब से नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है कि क्या ये डिसऑर्डर एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है या नहीं। एक्स लिंक रिसेसिव के लिए भी सारी कंडीशन आपको पहले से पता है। अगर एक्स लिंक रिसेसिव मानोगे तो अब इस केस में क्या होगा कि केवल ये जो फीमेल है ये डिजीज्ड दिखेगी और ये जो मेल है ये डिजीज दिखेगा, बाकी ये भी नॉर्मल होगा और ये भी नॉर्मल होगा। यानी कि अगर स्मॉल डी है केवल तभी डिजीज दिख सकती है और एक्स स्मॉल डी वाई है केवल तभी डिजीज मेल में दिख सकती है, बाकी दोनों कंडीशन में डिजीज नहीं दिखेगी। अगर हम एक्सलिंक्ड रिसेसिव की बात कर रहे हैं, डिटेल में इसको पहले बता चुका हूँ, अब चेक कर लेते हैं हम इसको इस पेडिग्री में कि क्या ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पेडिग्री को देख के मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो क्लियर है कि अगर किसी मेल में डिसीज है तो उसके पास में एक्स स्मॉल डी वाई होना चाहिए, तो यानी कि इसके पास में भी एक्स स्मॉल डी होना चाहिए, इसके पास में भी एक्स स्मॉल डी होना चाहिए, और कोई यहाँ पे मेल डिसऑर्डर शो कर नहीं रहा है। अगर मेल डिसऑर्डर शो नहीं कर रहा है तो उसके पास में इसका मतलब एक्स कैपिटल डी वाई होना चाहिए, तो यानी कि इसके पास में एक्स कैपिटल डी होगा और इसके पास में भी एक्स कैपिटल डी होगा। फीमेल की देख लें तो फीमेल अगर डिसऑर्डर शो कर रही है तो उसके पास में केवल एक कंडीशन है कि उसके पास में दोनों ही एलील रिसेसिव होंगे, दोनों ही एलील रिसेसिव होंगे, और अगर उसमें डिसऑर्डर नहीं है तो उसके पास एटलीस्ट एक कैपिटल डी होगा, दूसरा स्मॉल डी हो कैपिटल डी हो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, सेम कंडीशन यहाँ पे है। ठीक, अब हमें इतनी बात तो पता चल गई है, अब हम लोग ने ये देखना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। अब देखो, अगर हम इन दोनों को माने पेरेंट एक्स कैपिटल डी वाई एक्स स्मॉल डी
और फिर हम देखें कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं। तो अगर आप क्रॉस करा के देखो तो ये एक्स कैपिटल डी वाई और एक्स स्मॉल डी, मेल से ये गैमिट बनेंगे, फीमेल से केवल एक पॉसिबिलिटी है। क्रॉस कराओगे तो एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी बनेगा या एक्स स्मॉल डी वाई मिलेगा। यानी कि अगर ये दो पेरेंट हों तो ये प्रोजेनी पॉसिबल है या नहीं, यानी कि इनकी जो डॉटर है वो नॉर्मल होनी चाहिए, उनका जो सन है वो डिजीज्ड होना चाहिए, यानी कि डॉटर में डिजीज़ कभी नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉटर में डिजीज़ दिख रही है, सन में डिजीज़ नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि ये पेडिग्री भी पॉसिबल है नहीं। और वैसे भी एक्स लिंक्ड ट्रेट कभी भी मदर से डॉटर में नहीं जाता, अगर हम बात कर रहे हैं रिसेसिव की। ये मेजर कौन रोल प्ले कर रहा है, फादर, क्योंकि फादर के पास में एक कैपिटल डी है, तो फादर के पास में एक ही चॉइस है कि वो अपनी डॉटर को कैपिटल डी ही दे। अब इस डॉटर के पास में दोनों स्मॉल डी हैं, तो मान के चलो कि एक स्मॉल डी इसको इसकी मदर से मिल गया, दूसरा स्मॉल डी इसको कहाँ से मिलेगा जब फादर के पास में कैपिटल डी है। यानी कि ये पेडिग्री भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव को भी शो नहीं कर रही, क्योंकि अगर शो कर रही होती तो इन दोनों पेरेंट्स से केवल ये दो कंडीशन पॉसिबल थी कि मेल डिजीज्ड आता, फीमेल नॉर्मल आती। यहाँ पे क्या है, डॉटर में डिजीज़ है, सन में डिजीज़ नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं तीसरे ट्रेट की। तो एक्स लिंक डोमिनेंट शो करनी रही, एक्स लिंक रिसेसिव शो करनी रही, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पे देख लेते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में हम लोग को पता है कि अगर मान लेते हैं जीन हम यहाँ पे डी मान लेते हैं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में क्या होगा कि अगर कैपिटल डी एक भी होगा तो डिजीज़ कॉज कराएगा। मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं, ऑटोसोम्स दोनों में प्रेजेंट हैं, तो डिजीज़ होने के चांस कब हैं कि या तो कैपिटल डी हो या कैपिटल डी स्मॉल डी, इन दोनों केसेस में डिजीज़ हो जाएगी मेल हो या फीमेल। और अगर स्मॉल डी है तो डिजीज़ नहीं होगी। ठीक, यानी कि अगर एक भी कैपिटल डी प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो वो रिसेसिव एलील के फंक्शन को ख़त्म करेगा, अपना इफेक्ट शो करेगा। और अगर डिजीज़ डोमिनेंट एलील की वजह से आ रही है तो इसका मतलब उस प्रोजेनी में डिजीज़ दिखेगी। ठीक, अब इसको चेक कर लेते हैं अपनी इस पेडिग्री के अंदर। इस पेडिग्री को देख के वापस से हमारे पास कई सारी इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें डिजीज़ दिख रही है उसके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल डी होगा, और जिसमें डिजीज़ नहीं दिख रही है उसमें दोनों स्मॉल डी ही होंगे। तो जहाँ पे डिजीज़ नहीं दिख रही है, सबसे पहले वहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मॉल डी, क्योंकि यहाँ पर कोई और कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ये भी स्मॉल डी, जिनके पास में डिजीज़ है उनके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल डी होगा, कोई डाउट वाली बात इसमें है ही नहीं, इसको आँख बंद करके लिख लो। दूसरा क्या होगा वो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक, अब अगर आप इस प्रोजेनी को देखोगे तो इसके पास में दोनों स्मॉल डी है। दोनों स्मॉल डी होने का मतलब क्या है कि इसको इसका एक एलील इसकी मदर से मिला होगा, एक एलील फादर से मिला होगा। फादर के पास में दोनों ही रिसेसिव एलील है, तो इसने अपना एक एलील दे दिया होगा, दूसरा एलील इसको मदर से मिला होगा। तो इसका मतलब है कि मदर के पास में कैपिटल डी के साथ दूसरा एलील कौन है, स्मॉल डी। डिजीज दोनों में दिख सकती है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। अब हम लोग इन दोनों पेरेंट को क्रॉस कराएं तो हम चेक करेंगे कि क्या डिजीज्ड और नॉर्मल दोनों प्रोजेनी पॉसिबल यहाँ पर है या नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, तो मदर से मिलेगा गैमेट कैपिटल डी और स्मॉल डी, और फादर से केवल एक ही गैमेट है स्मॉल डी। तो इसके पास में जो प्रोजेनी बनेंगी वो कैपिटल डी स्मॉल डी होगी या फिर स्मॉल डी होगी, यानी कि डिजीज़ भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि डिजीज़ भी दिख रही है, नॉर्मल भी दिख रहा है, यानी कि अभी तक इस केस में तो ये पेडिग्री को शो कर रहा है। अब देखो, अगर हम माने कि ये दोनों प्रोजेनी इसकी हैं, इन दोनों पेरेंट्स की, इन दोनों प्रोजेनी के पास में दोनों के दोनों एलील स्मॉल डी हैं, इसको एक स्मॉल डी इसकी मदर से मिला होगा, तो मदर के पास में दो स्मॉल डी हैं, पेडिग्री देख के पता चल रहा है, तो इसका मतलब उसने स्मॉल डी दे दिया होगा। दूसरा स्मॉल डी इसको इसके फादर से ही मिलेगा, तो इसका मतलब फादर के पास में एक स्मॉल डी होना चाहिए। अब इन दोनों का क्रॉस करा के देखें कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, तो ये वाला केस वापस से सेम ऐसा ही बन गया। तो अगर हम क्रॉस कराएंगे दोनों का, कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी, तो उनमें डिजीज्ड प्रोजेनी भी दिख सकती है और नॉर्मल भी दिख सकती है, यानी कैपिटल डी स्मॉल डी भी दिख सकता है
और स्मॉल डी स्मॉल डी भी दिख सकता है। यानी कि पूरी पेडिग्री में कोई भी एक केस ऐसा नहीं है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन को फॉलो ना करता हो। इसका मतलब ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रही है, लेकिन अभी आंसर नहीं निकला है। आंसर निकालने के लिए अभी हमें ऑटोसोमल रिसेसिव को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ऑटोसोमल रिसेसिव को चेक करके देख लेते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या होगा, सारी बात पहले ही कर चुके हैं कि अगर दोनों एलील रिसेसिव हैं केवल तभी डिजीज़ हो सकती है। अगर एक भी डोमिनेंट एलील आ गया तो डिजीज़ नहीं होगी, वो प्रोजेनी नॉर्मल दिखेगी। क्योंकि डोमिनेंट एलील कौन सा होता है, डोमिनेंट एलील वो है जो हेटरोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करे और रिसेसिव एलील के फंक्शन को ख़त्म कर दे। तो अगर एक भी कैपिटल डी होगा तो अपना इफेक्ट शो करेगा और रिसेसिव एलील अपना काम नहीं कर पाएगा। तो अगर हम मान लें ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, तो इसका मतलब कि दोनों के दोनों एलील जब रिसेसिव होंगे केवल तभी डिजीज शो हो सकती है। अब इस पेडिग्री को देख कर वापस से जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है उसको लिख लो। याद क्या रखना है कि जितने भी डिजीज्ड हैं उन सब के पास में दोनों स्मॉल डी होने चाहिए। तो दोनों स्मॉल डी आप लिख लो जहाँ भी डिजीज आपको दिख रही है। यहाँ पे भी स्मॉल डी, ठीक। जहाँ पे डिजीज़ नहीं दिख रही है इसका मतलब उनके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल डी होना चाहिए, उनके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल डी होना चाहिए। दूसरा क्या होगा वो हम चेक कर लेंगे इसमें। ठीक, अब वापस से चेक कर लेते हैं। इसको देखें, अगर हम इसके पास में दो स्मॉल डी है तो इसका मतलब इसको एक स्मॉल डी इसके फादर से मिला होगा और एक स्मॉल डी इसकी मदर से मिला होगा। मदर के पास में स्मॉल डी है तो मदर ने अपने एक स्मॉल डी दे दिया होगा। दूसरा स्मॉल डी ऑब्वियसली इसको फादर से मिला होगा, तो इसका मतलब फादर के पास में स्मॉल डी भी होना चाहिए। अब इन दोनों का क्रॉस करा के आप देखो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। तो यही क्रॉस हमने कराया हुआ है, चाहो तो इसको वापस से कर लो कि अगर हम स्मॉल डी मदर से गैमिट ले लेते हैं और मदर से ले लेते हैं और फादर से कैपिटल डी और स्मॉल डी ले लेते हैं, क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा और स्मॉल डी आएगा। इस केस में डिजीज़ हो जाएगी, इस केस में डिजीज़ नहीं होगी। यानी कि दोनों कंडीशन दिख सकती हैं कि नॉर्मल भी दिख सकता है और डिजीज़ भी दिख सकता है। यानी कि अभी तक इस जनरेशन पे तो हमें दिख रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव भी फॉलो हो रही है। ऊपर देख लें, इसके पास में दो स्मॉल डी हैं, इसके पास में दो स्मॉल डी हैं, इसका मतलब इनको अपने फादर से एक स्मॉल डी मिलेगा। तो फादर के पास में दोनों स्मॉल डी, फादर अपने एक स्मॉल डी दे देगा। दूसरा स्मॉल डी इनको मदर से मिलना चाहिए तो मदर के पास में भी होना चाहिए। अब इनका क्रॉस करा के देखो, वापस से सेम केस ऐसा ही बन रहा है। यानी कि अगर ये दोनों पेरेंट हैं तो इनके क्रॉस से नॉर्मल प्रोजेनी भी आ सकती है और डिजीज प्रोजेनी भी आ सकती है। यानी कि नॉर्मल प्रोजेनी भी आ सकती है और डिजीज्ड प्रोजेनी भी आ सकती है। यानी कि ये अकेली पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट को भी शो कर रही है, ऑटोसोमल रिसेसिव को भी शो कर रही है। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन में देखोगे तो आर एंड एस, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये एक पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट को शो नहीं कर रही है, एक्स लिंक रिसेसिव को शो नहीं कर रही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट को कर रही है, ऑटोसोमल रिसेसिव को भी कर रही है। तो ट्रिक्स मत लगा के देखना, ये सब चीज़ में भी टाइम मुझे समझाने में लग रहा है। वैसे करने बैठोगे प्रैक्टिस के बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, देख के समझ में चीज़ें आ जाती हैं, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती कई बार। ठीक है, तो ये है जून 2012 का आया हुआ क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जून 2011 में क्वेश्चन आया है और इसने बोला है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेडिग्री गिवन बिलो आर सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। यानी कि इसने खुद बोल दिया है कि ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज को शो कर रही है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कन्फर्म्ड कैरियर, और इसने पूछा है कि हम लोग को इसमें कन्फर्म्ड कैरियर पता करने हैं कि कन्फर्म्ड कैरियर कितने हैं। आगे इसने बोल रखा है आइडेंटिफाई द कन्फर्म्ड कैरियर इंडिविजुअल्स इन दिस पेडिग्री अज्यूमिंग दैट मेंबर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली आर होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील। और इसने बोला है कि इस फैमिली से बाहर के जो हैं, जो आउटसाइडर हैं इस पेडिग्री में फैमिली से बाहर के, वो सारे डोमिनेंट एलील के लिए
होम हो जाएगा सर, यानी कि दोनों के पास में कैपिटल डी है अगर हम जिन डी मान लें तो। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को शो कर रही है, इसका मतलब हमें दिमाग मारना ही नहीं है कि डिजीज़ कौन सी है, चेक ही नहीं करना। दूसरा इसने बोला है कि जो आउटसाइडर है यानी कि जो इस फैमिली से बाहर के मेंबर हैं उन वो सब का जीनोटाइप कैपिटल डी है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। अब इसने पूछा कि कन्फर्म्ड कैरियर का मतलब अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर हम मान के चलते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के देखिए ऑटोसोम्स के केस में तीन चीज़ें पॉसिबल होती हैं, केवल ये तीन जीनोटाइप पॉसिबल ऑटोसोम्स के केस में, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है इसका मतलब इस केस में डिजीज़ दिखेगी, मेल हो या फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये केस में नॉर्मल रहेगा, ये केस में नॉर्मल रहेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको कि ये कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या है कि इसमें खुद में तो डिजीज़ है नहीं लेकिन ये डिजीज्ड एलील को कैरी कर रहा है, डिजीज एलील को लेके जाएगा, क्योंकि अगर ये किसी इंडिविजुअल से क्रॉस करता है तो अपनी प्रोजेनी में ये इस डिजीज्ड एलील को भेज सकता है, बेशक इसमें डिजीज नहीं है, तो ये है कैरियर, ठीक है। तो इसने पूछा है कि इस पूरी पेडिग्री में ये जनरेशन दिखा रही है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये मेंबर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, सेकंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मेंबर ऐसे करके। और इसने पूछा है कि इस पूरी पेडिग्री में चारों जनरेशन में कौन कौन से इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये कन्फर्म्ड है कैरियर है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा मजा आता है इसको करने में। पेडिग्री बड़ी देख के नहीं डरना है, कुछ भी नहीं है, आपको बस क्या करना है कि जिस चीज़ पे आप श्योर हैं इसको आप कंप्लीट तो कर लो। एक इसमें और ये भी इसमें डिसऑर्डर शो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा जून 2011 में। तो अब इसने बोल रखा है ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका मतलब हमको इतना पता है कि जितने भी डिजीज दिख रही होगी उन सब में स्मॉल डी होगा, तो आँख बंद करके पहले तो ये लिख लो जिन जिन में डिजीज दिख रही है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जो आउटसाइडर हैं फैमिली से वो उन सब के अंदर डोमिनेंट एलील है होमोजाइगस कंडीशन में। अब आउटसाइडर कौन है, अगर ये पेरेंट मानो ग्रैंड पेरेंट मानो तो इनके जो बच्चे होंगे वो कौन से हैं, एक तो ये, एक ये और एक, यानी कि सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ इन दोनों पेरेंट के प्रोजेनी हैं। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो बाहर से है, थर्ड बाहर से है और सिक्स बाहर से है, तो इस पेरेंट के इस प्रोजेनी की शादी इससे हुई है और ये आउटसाइडर है, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके पास में होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होनी चाहिए डोमिनेंट एलील के लिए। ये आउटसाइडर है फीमेल, इसके पास में भी कैपिटल डी होना चाहिए। ये आउटसाइडर है सिक्स्थ वाला, तो इसके पास भी कैपिटल डी होना चाहिए। बाकी पूरे पेडिग्री में कई आउटसाइडर है नहीं, सबकी आपस में घर घर में शादी हो रही है। अब इनके अलावा जो भी मेंबर हमको दिख रहे हैं कि जिनमें डिजीज नहीं है, इसका मतलब क्या है, उन सबके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल डी तो होगा, उनके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल डी तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास में कैपिटल डी है तभी वो डिजीज से बचे हुए हैं, दोनों रिसेसिव होते तो उनमें डिजीज हो जाती, तो उनमें डिजीज हो जाती, ठीक। अब हमने चेक भी नहीं करना इसमें कि पेडिग्री सही है गलत है, क्योंकि उसने खुद ही बोल रखा है रिसेसिव, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें जीनोटाइप रखे। अब इसने पूछा है कि कन्फर्म्ड कैरियर कौन है, यानी कि आप किस किस को बोलोगे कि यही ये कन्फर्म है कि कैरियर यही है, जो डाउट वाले हैं उनको हमें काउंट नहीं करना है। अब आप देखो अगर हम फोर्थ जनरेशन में देखें तो फोर्थ जनरेशन में हम कन्फर्मली किसको कह सकते हैं कि ये कैरियर है, ये तो कैरियर हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फोर्थ जनरेशन में कैरियर कौन कौन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो अब एक बार हम क्या करें, इन सब के जीनोटाइप पूरे लिख लेते हैं, उसके बाद हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा। इन दोनों प्रोजेनी को पकड़ के चलो, तो इसका मतलब स्मॉल डी है इसके पास में, तो इसको एक स्मॉल डी इसकी फादर से आएगा, एक स्मॉल डी इसकी मदर से आएगा। फादर के पास में कैपिटल डी हमें पहले से दिख रहा है क्योंकि उसके पास में डिजीज नहीं है, और इसको अपने सन को एक स्मॉल डी भी देना, तो उसका मतलब इसके पास में एक स्मॉल डी होगा, और इसको दूसरा स्मॉल डी इसकी मदर से मिला होगा, यही कंडीशन पॉसिबल, और कुछ हो नहीं सकता है।
इसके केस में देख लो कि इसके पास में दो स्मॉल डी हैं, तो इसको एक इसके फादर से मिला होगा, एक इसकी मदर से मिला होगा, और इतना ही हम लोग देख लेते हैं। इन दोनों को आप क्रॉस कराओगे तो हो सकता है कैपिटल डी आ जाए, हो सकता है कैपिटल डी स्मॉल डी आ जाए, क्योंकि अगर आप कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डी भी आ सकता है, कैपिटल डी स्मॉल डी भी आ सकता है, स्मॉल डी भी आ सकता है। तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न है कि ये कैपिटल डी ही है या स्मॉल डी है। सेम कंडीशन हमें यहाँ पे दिखेगी कि ये हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि इन दोनों पेरेंट के साथ में ये दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इनको तो हम कह नहीं सकते कि कन्फर्म है, क्योंकि इनके पास में ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये दोनों कन्फर्म है, ये दोनों भी कन्फर्म है। ठीक है, अब इनके पेरेंट की बात कर लो, अगर इसके पास में एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी है, तो इसको एक कैपिटल डी इसके फादर से मिला होगा या मदर से मिला होगा, और एक स्मॉल डी इसके फादर से या मदर से मिला होगा। अब कंडीशन क्या है कि फादर के पास में दोनों ही कैपिटल डी हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल डी है इसके फादर से, इसका मतलब कि ये जो कैपिटल डी है ये इसको इसके फादर से मिलना चाहिए, और ये स्मॉल डी इसको इसकी मदर से मिलना चाहिए, क्योंकि फादर के पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल डी है ही नहीं, फादर होमोजाइगस है डोमिनेंट एलील के लिए। ठीक, ऐसे अगर आप इसको देखोगे इस पेरेंट के लिए, तो इसकी एक प्रोजेनी के पास में स्मॉल डी भी है, और अगर इसके पास में स्मॉल डी है, मदर से आ नहीं सकता क्योंकि मदर आउटसाइडर है, उसके पास में दोनों ही एलील डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये एलील इसको इसके फादर से ही मिला होगा। इसको देखोगे तो इसके इन दोनों के प्रोजेनी में एक के पास में स्मॉल डी है, कन्फर्म हमको पता है, फादर से स्मॉल डी आ नहीं सकता क्योंकि फादर के पास में दोनों कैपिटल डी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसको ये इसकी मदर से ही मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब इन सब के पेरेंट देख लो कि इसके पास में कैपिटल डी स्मॉल डी है, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों फैमिली के मेंबर हैं, तो इनके केस में हमें नहीं पता कि इनके पास में होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है हेटरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। अगर आप रख के देखो, अगर मान के चलो कि ये स्मॉल डी फादर के पास से आया है और मदर के पास में सपोज दोनों कैपिटल डी हैं, तब भी ये सारी कंडीशन फुलफिल हो सकती हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। और अगर आप ये मान के चलो कि नहीं, मदर से स्मॉल डी आया है, फादर के पास में दोनों कैपिटल डी हैं, तभी भी ये कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि होमोजाइगस हम ऑटोसोमल जीन्स की बात करें और ऑटोसोम्स में सेक्स का फर्क नहीं पड़ता, मेल है या फीमेल है, वो सबके केस में सेम ही रहेगा। अब जो बचे हुए हैं उनका भी जीनोटाइप लिख लेते हैं एक बार, अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराएं तो हमारे पास में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो कैपिटल डी मिले या कैपिटल डी स्मॉल डी मिले। तो हो सकता है कैपिटल डी हो और हो सकता है कैपिटल डी स्मॉल डी हो, तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न है। इसकी बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन है इसकी तरह, कैपिटल डी हो सकता है, स्मॉल डी कैपिटल डी हो सकता है, तो यहाँ पर भी डाउट है, सेम हमको यहाँ पर भी डाउट रहेगा हमेशा। अब हम कन्फर्म किस किस जगह पे, देखो हम कन्फर्म है एक तो इस जगह पे कि यहाँ पर कोई और कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि थर्ड का मैं इसको कहाँ लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर कि थर्ड जनरेशन का जो सेकंड मेंबर है उसके केस में हम श्योर हैं कि वो कैरियर ही होगा, जिसका थर्ड मेंबर है वो भी कैरियर होगा, जो इसका फिफ्थ मेंबर है वो भी कैरियर होगा, जो इसका सिक्स्थ मेंबर है वो भी कैरियर होगा, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से श्योर हैं, क्योंकि हमने पेडिग्री सॉल्व करके देख लिया कि अगर ये दोनों स्मॉल डी इसके पास में कैपिटल डी है, तो इसके इन दोनों के पास में एक स्मॉल डी होना चाहिए, और क्योंकि ये नॉर्मल है तो इनके पास में कैपिटल डी भी होना चाहिए। अगर दोनों कैपिटल डी हो जाएंगे तो ये प्रोजेनी पॉसिबल नहीं है, दोनों स्मॉल डी हो जाएंगे तो इनमें डिजीज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों कैपिटल डी स्मॉल डी ही होंगे, कोई डाउट नहीं है। सेकेंड जनरेशन में हमें ये आउटसाइडर है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये आउटसाइडर इसके बारे में सोचना नहीं, ये आउटसाइडर इसके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पहले ही बोल चुका है कि ये दोनों ये तीनों फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ ये आउटसाइडर हैं, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट हैं। इसके केस में हमको पता है कि ये कन्फर्म है कि ये कैरियर ही होंगे,
ना तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए होंगे, ना ही होमोजाइगस रिसेसिव के लिए होंगे, तो यानी कि सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड जनरेशन के सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो होंगे वो कन्फर्म कैरियर होंगे। फर्स्ट में अगर हम जाके देखें, यानी कि जो ओरिजिनल ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसमें हम लोग कन्फर्म नहीं हो सकते। अगर हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाला मेंबर कन्फर्म कैरियर है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ठीक है, बात सही है, लेकिन इस कंडीशन में भी तो पॉसिबल है कि सेकेंड वाला कैरियर हो और दूसरा वाला होमोजाइगस डोमिनेंट हो। यानी कि फर्स्ट के केस में ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है, सेकेंड केस में दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट वाले के पास में केवल कैरियर वाली कंडीशन होगी और सेकेंड वाले के पास में केवल होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, या सेकेंड वाले के पास में केवल कैरियर होगा फर्स्ट वाला होमोजाइगस होगा। तो इसका मतलब हम फर्स्ट वाले के फर्स्ट और सेकेंड दोनों मेंबर के लिए कमेंट नहीं कर सकते कि ये हमारा कन्फर्म कैरियर है या नहीं। अगर हम इसको कन्फर्म कैरियर मानते हैं, इसको होमोजाइगस डोमिनेंट मानते हैं, तब भी पेडिग्री पूरी सही हो जाती है। और अगर हम इसको मान लेते हैं कैरियर, इसको मान लेते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, तब भी सॉल्व हो जाती है। तो इसको मानोगे कैरियर, तो इसने क्या बिगाड़ा, इसको भी मान सकते हो कैरियर। तो इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन के दोनों ही मेंबर के पास में हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि ये कैरियर ही हैं। श्योर किसके लिए हैं, थर्ड जनरेशन में सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए, फिफ्थ वाले के लिए, सिक्स्थ वाले के लिए। फोर्थ जनरेशन में हम किसी के लिए भी कंफर्म नहीं हो सकते कैरियर के लिए। ये हो सकता है कैपिटल डी, कैपिटल डी हो, पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के पास में कैपिटल डी है, दोनों हो सकता है अपना कैपिटल डी दे दें। इस केस में हो सकता है कि दोनों अपना कैपिटल डी पकड़ा दें, इस केस में हो सकता है दोनों अपना कैपिटल डी भी पकड़ा दें। तो कैरियर ही कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पर, और होमोजाइगस डोमिनेंट भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, तो हम लोग देखें इसका आंसर ये है, थर्ड का सेकंड, थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स्थ मेंबर, और सेकंड का टू फोर एंड फाइव। इसका मतलब इसका आंसर है सी। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आंसर इसका है सी। इसका आंसर कुछ लोग बी भी लगा देते हैं। बी में क्या करते हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन में सेकंड इंडिविजुअल को उन्होंने मान लिया कैरियर, ठीक है, कैरियर मान लोगे तब भी पेडिग्री सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये कन्फर्म कैरियर थोड़ी ना है। अगर इसे कैरियर मान लो तो फिर इसने क्या बिगाड़ा, एक बार इसे ही मान के देख लो, इसे मान के देख लो तब भी हो रही है। तो इसका मतलब इन दोनों के केस में ये कैरियर भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, तो हम इनको कन्फर्म कैरियर नहीं मानेंगे। तो ये है जून 2011 का क्वेश्चन, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उन पर बिल्कुल ध्यान रखा करो, उसने क्या बोला है। तीन चीज़ उसने बोली थी ऑटोसोमल रिसेसिव, जिस पर नज़र सबकी पड़ जाती है। दूसरी चीज़ उसने बोली है कन्फर्म्ड कैरियर, जिसके ऊपर नज़र बहुत लोगों की नहीं पड़ती। और सबसे लास्ट में बोला है कि जो आउटसाइडर हैं वो डोमिनेंट हैं होमोजाइगस एलील के लिए, होमोजाइगस एलील के लिए, डोमिनेंट एलील के लिए वो होमोजाइगस है। इस एक पॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, अगर इसको मिस कर दिया तो फिर हम लोग क्या करते, इस इनके केस में भी हम लोग आउटसाइडर के केस में भी हम लोग जीनोटाइप बनाने में लग जाते, लेकिन वो करना नहीं था। ठीक है, इस वीडियो में यही दो क्वेश्चन रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। सिमरन का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।